जी साहब वेलकम टू माय कार हेल्प लाइन कैसे हैं आप लोग देखिए सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल के लिए विशिंग यू आर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स नया साल बहुत बहुत आपके लिए मंगलमय हो अब चूंकि इस नए साल में अगर आप अपने नेक्स्ट क्यू कार का प्लान कर रहे हैं सर तो मन में कन्फ्यूजन जरूर होगी कि 2023 की नए मैनुफैक्चर ईयर की कार ही डीलर सेल कर रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं पिछले साल की कार डीलर चिपका रहा है और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने लास्ट ईयर की कार की डील प्लान कर रखी है द डीलर माइट बी सेलिंग कार विच इज टू ओल्ड आपको डीलर बोल रहा है नवंबर की कार है लेकिन जब बाद में पता लगे वो कार तो भाई मार्च अप्रैल 2022 की है नौ दस महीने से डीलर के स्टॉक में खड़ी है तो कैसे उसको पता लगवाएं हाउ टू फाइंड द कार मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर उसके बारे में जरूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ देखिए पहला तरीका तो बड़ा सिंपल आसान है उसमें क्या है आपको डीलर को बोलना है भाई कार रजिस्टर करने से पहले यू हैव टू शो मी कार बिल कर रहा है एड्रेस क्या है कौन से बैंक से लोन हो रहा है कार कौन से मेक है मॉडल है कलर है कार का कब वेट क्या है इंक्लूडिंग कार कौन से मैन्युफैक्चरिंग मंथ में है और कार कौन से मैन्युफेक्चर हुई है तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कौन से मंथ और ईयर में कार मैन्युफैक्चर्ड हुई है और इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आपकी जो कार की आरसी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो प्रिंट होके आता है लेकिन इस प्रक्रिया में कमी क्या है कि ये आर टी ओ फॉर्म ट्वेंटी वन इशू तभी होता है जब पूरी पेमेंट हो जाती है तो उससे सारा प्रोसेस होने के बाद कोई फायदा नहीं है उसके अंदर तब आप बोले आप कैंसिल कराओ ऐसा कराओ तो प्री हैंड ही फर्स्ट स्टेज पे कैसे चेक करें कि भाई कौन से मंथ और ईयर में कार मैन्युफैक्चर्ड है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है कार का विन नंबर विच इज़ दी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर लूजली कॉल्ड एज कार चैसी नंबर अभी ये विन नंबर क्या है वो जान लीजिए बेसिकली कोई भी कार हो उसका डीएनए बताता है ये विन नंबर बहुत सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर बता रहा मैं आपको इंक्लूडिंग कौन से प्लांट में वो कार बनी है कौन से बैच में वो कार कंपनी वहां से लेके आई है मॉडल कलर डिटेल्स और उस कार का मॉडल वेरिएंट कौन सा है वहां तक इस सत्रह डिजिट के विन नंबर पता लगता है इंक्लूडिंग कौन से सीरियल नंबर वो कार है ये सब चीज़ें आपको वो विन नंबर शो करता है और सबसे जरूरी बात कि भाई आपके कौन से मंथ में कौन से ईयर में वो कार मैनुफैक्चर हुई है वहां तक ये विन नंबर के अंदर पता लगता है सत्रह डिजिट का नंबर होता है इसमें अलग अलग कोड्स होते हैं और ये सत्रह डिजिट के कोड्स हर कार मैनुफैक्चर यूनिकली असाइन करता है अपनी कार को तो ये आपके लिए जरूरी सात है अब वो विन नंबर से मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे पता लगाएं तो सर उसके कोड्स होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली विन नंबर में डिजिट्स होते हैं उसके थ्रू आप डिकोड कर सकते हैं अब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर का कोड कोई मैनुफैक्चर न्यूमेरिक नंबर लगता है टू थ्री विच इंडिकेट्स टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कोई मैन्युफैक्चर करता है पी अल्फाबेट पी वो अल्फाबेट पी डिफिकेट करता है कि दो की कार है और अगर उसका नंबर होगा सपोज एन तो वो इंडिकेट करेगा 2022 की कार है तो वो पी एन कहाँ पे कौन से नंबर कौन से अल्फाबेट के देखे वो बताने वाला हूँ आपको और इसी तरीका से मंथ ऑफ मैनुफैक्चर भी होता है मंथ में क्या होता है ए बी सी डी ई एफ करके ऐसे डिजिट्स होते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ए फॉर जनवरी बी फॉर फेबर सी फॉर मार्च करते करते होते हैं कुछ डिजिट्स नहीं भी होते हैं इससे आई नहीं होता है वो कोई मैनुफेक्चर यूज़ नहीं करता है तो अलग अलग इसके अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर होते हैं उससे आप मंथ ऑफ मैनुफैक्चर पता लगा सकते हैं अब कैसे पता लगवाना है सपोज़ आपके पास मारुति सुजुकी कार है तो देख ले मारुति सुजुकी कार का इधर डीलर से वर मांग सकते हैं या एट अ टाइम ऑफ पी या आप कार का बोनेट ओपन करके उसमें विन नंबर देख सकते हैं विन नंबर काफ़ी जगह उसकी स्टैम्प एफिक्स होती है कई बार वाइपर ब्लेड के नीचे होती है कई बार बोनेट के लेफ्ट साइड में होती है कई बार राइट साइड पर होती है ये सत्रह डिजिट का विन नंबर होता है मारुति सुजुकी कार का और इस विन नंबर के थ्रू अगर आप देखेंगे इसका जो टेंथ डिजिट है वो इंडिकेट करता है द ईयर ऑफ मैनुफैक्चर्ड अगर ये पी है दिस इंडिकेट दिस इज अ 2023 मैन्युफैक्चर्ड वन और अगर ये बॉस आपको एन मिल गया तो आप समझ जाइए 2022 की बाईस ही गाड़ी देख और अगर ये एम मिल गया तो सर ये 2021 मैन्युफैक्चर्ड कार है और इसकी जो लेमन डिजिट है वो इंडिकेट करती है द मंथ ऑफ मैनुफेक्चर ए अगर आपको मिल गया तो ये जनवरी है और अगर ये आपको मिला एम दैट इंडिकेट्स इज सर दिसंबर वन तो इससे पता लगा सकते हैं कि अगर ये पी ए आपको मिला तो ये जैन 2023 की कार है लेकिन इसमें भी एक बात है कुछ मारुति कार्स के अंदर आपको ये टेंथ लेवेंथ डिजिट मिलेगी जीरो जीरो और आपके मन में आएगा तो ये जीरो जीरो है कैसे पता करना है तो सर उसका तरीका यह है जब आप कार की फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे या डीलर को बोलिए मुझे कार दिखाइए उसमें यह विन नंबर आप देख रहे होंगे सत्रह डिजिट के साथ साथ आपको डॉ टाइम मिलेगा और इसके बाद आपको दो डिजिट्स और मिलेंगे विच इज़ कॉल्ड द नाइनटीन एंड ट्वेंटी डिजिट विन नंबर फॉर इंस्टेंस जो लास्ट डिजिट है वो इंडिकेट करेगी द ईयर ऑफ मेक अगर लास्ट डिजिट पॉस पी है जब उसके इसमें दो हज़ार की गाड़ी है और जो नाइनटीन डिजिट है वो इंडिकेट करेगी द मंथ ऑफ मेक तो जो सेम तरीका है टेंथ के नंबर का ये वो मैनुफैक्चर फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूंडाई होंडा कार्स इंडिया निसान टाटा मोटर्स रेनो महेंद्रा इसुचू किया खोड़ा इन सभी मैनुफैक्चर की जो टेंथ डिजिट है वहां से आप ईयर ऑफ मैनुफैक्चर पता लग सकते हैं इन सभी मैनुफैक्चर के टेंथ डिजिट आपको जीरो नहीं मिलेगी लिविंग अस्ट मारुति वहां पे कुछ केस आपसे देखे गए हैं

उनकी डिजिट तो होगी टेंथ जिससे पता लगेगा ईयर ऑफ मेनुफेक्चर कौन सा है लेकिन उन्हें न्यूमेरिक नंबर्स दे रखे हैं। वो न्यूमेरिक नंबर्स में क्या है अगर वो फाइव है पता लगेगा टू डिकोड द मंथ कार है तो तो उसका तरीका यह है कि अलग अलग मैनुफैक्चर्स के डिजिट होती हैं जैसे मारुति है। है... के केस में लेवन डिजिट होती है निशान के केस में लेवन डिजिट है रेनो के केस में लेवन डिजिट है टाटा मोटर्स के केस में ट्वेल्थ डिजिट है लेकिन इसमें डिफरेंट क्राइटीरियाज होते हैं मैं आपके सामने स्कीम पर दिखा रहा हूँ हॉन्डा के केस में नाइन डिजिट है शिकोडा के केस में सिक्स डिजिट है के केस में फोर्थ डिजिट है महिंद्रा के केस में ट्वेल्थ डिजिट है एम के केस में नाइन्थ डिजिट है Toyota के केस में एटीनथ और नाइनटीन डिजिट है और किया और Hyundai के केस में सर वहाँ पे उन्होंने एक सीक्रेटिव तरीके से रखा हुआ है तो वहाँ पे उनके विन को डायरेक्टली डिकोड नहीं कर सकते हैं ओनली बाय पंचिंग डेट विन इन द हिंडाई सिस्टम यू कैन आइडेंटिफाई वॉट इज़ द मंथ ऑफ मैनुफैक्चर तो वो एक तरीका है अब आपको इसकी पहचान क्यों करनी है देखिए कार जितनी ज़्यादा डीलर के स्टॉक में पुरानी होती है और दो कुछ होता नहीं है तीन चार महीने पुरानी कार के अंदर लेकिन कार अगर ज़्यादा पुरानी हो जाएगी आठ महीने नौ महीने दस महीने तो आप समझिए डीलर के स्टॉक में वो कार नौ दस महीने से खड़ी हुई है कार एक मैकेनिकल फाइन आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग है बाई कीपिंग द कार स्टैंडल फॉर नाइन टू टेन मंथ डज नो गुड टू द कार बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है कार के टायर्स में वहाँ पे उसमें जो वहाँ पर वो कांटेक्ट पिच है अगर कार मूव नहीं हुई तो सर वहाँ पे एक बल जाने की चांसेस हैं और नौ दस पुराने महीने पुरानी कार का मतलब है डीलर ने वो कार नौ दस महीने पुरानी खड़ी भी है डेट मीन्स द कार वॉज बॉट एट अ मच ओल्डर प्राइस अब वो उसको सेम प्राइस पे कैसे सेल कर सकता है ऑन द इंक्रीज प्राइस सो यू कैन नेगोशिएट अ मच मच हायर डिस्काउंट आल्सो तो इसलिए कार का विन नंबर पता करना जरूरी है और साथ में जान लीजिए क्योंकि कार की दुनिया में क्या होता है 2023 चल रहा है जैसे ही साल चेंज होता है 2022 से 2023 तो टेक्निकल भाषा में कार की वैल्यूएशन एक साल पुरानी मानी जाती है तो जैसे आपसे अपनी एग्जिस्टिंग कार है सपोज ही वो सेलिंग डेड कार इन 2022 अब उस कार को 2023 में बेचेगा तो सर कार की जो वैल्यूएशन प्राइस है वो एक साल पुरानी मानी जाएगी इवन दो इट जस्ट अ मंथ चेंज तो वो आपके लिए जरूरी बात बता रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करिए उसको इग्नोर करिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको पता लगाना जरूरी है बाकी कार्स के बारे में डिटेल जानकारी आपको डब्ल्यू 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 डॉट माइकर हेल्पलाइन डॉट कॉम वेबसाइट में मिल जाएगी डिस्काउंट ऑफर्स न्यू कार्स रोड टैक्स इंश्योरेंस फाइनेंस और माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं इफ केस यू रिक्वायर वन टू वन एक्सपर्ट ओपिनियन द दीम का यू लुकिंग टू बाई न्यू कार है यूज कार है फाइनेंस है इंश्योरेंस है एक्सेसरीज है कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए My car helpline forum is the best place so to get an expert opinion. I hope you liking this video. If in case you have voted, shared, subscribe to my car helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.